हेलो दोस्तों, IAS फर्स्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम 30 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ है सौभाग्य योजना से संबंधित, जिसे सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य देश में शेष बचे घरों तक बिजली पहुंचाना था। साथ ही इसका लक्ष्य दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण प्रक्रिया को पूरा करना है, जो कि बेहद करीब पहुँच चुका है। और इस योजना में ध्यान देने योग्य बात है कि इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों घरों को कवर किया जाता है, जबकि सरकार की अन्य पहल दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, जो कि केवल ग्रामीण घरों तक ही सीमित है। और यह योजना जुलाई 2015 में लॉन्च की। इसका लक्ष्य 1 मई 2018 तक अविद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण करना है। दोस्तों, UPSC आपको स्टेटमेंट में ये दोनों योजना देकर फंसा सकती है कि एक स्टेटमेंट में दे देगी कि सौभाग्य योजना केवल शहरी घरों तक सीमित है, जबकि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण घरों तक सीमित है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला जो है वह शहरी और ग्रामीण दोनों को कवर करता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और सौभाग्य योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने फंड से 10% रकम खर्च करेंगे और जो शेष 30% राशि है वो बैंकों से ऋण के रूप में लेना होगा। साथ ही इसके लिए वही परिवार पात्र होगा जो 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में चिन्हित किए गए हैं, और जो चिन्हित नहीं है उन्हें 500 रुपये का शुल्क चुकाकर बिजली कनेक्शन प्राप्त किया जा सकता है। यह इसलिए भी न्यूज़ में क्योंकि हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि 8 राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने 100% घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और इसके साथ ही वर्तमान में देश में कुल 15 राज्यों में 100% घरों का विद्युतीकरण हो गया है। और एक बात, UPSC इस पर भी स्टेटमेंट के तौर पे एक क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे स्टेटमेंट में दे सकती है कि फिलहाल देश में 20 राज्यों में 100% घरों का विद्युतीकरण हो गया है। तो ध्यान रखिए, 15 राज्यों में वर्तमान में 100% घरों का विद्युतीकरण हुआ है, और इसे आप नोट कर लीजिए। हमारा अगला न्यूज़ है ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2018, जिसे हिंदी में वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2018 भी कहते हैं, और यह एक थिंक टैंक द्वारा जिसका नाम द लिगेटम इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और यह जो रैंकिंग है वह धन, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कल्याण एवं जीवन की गुणवत्ता सहित कई कारकों पर आधारित होती है। लगभग 100 से भी ज़्यादा संकेतकों पर यह आधारित है, और इस इंडेक्स में 149 देशों को कवर किया जाता है। और 2018 में भारत की रैंकिंग 94वें पोजीशन पर रही है, जो कि पिछले साल 97वें रैंक पे थी। और ब्रिक्स देशों में केवल रूस ही ऐसा देश है जिसकी रैंकिंग भारत से कम है, अर्थात पीछे है, और रूस की रैंकिंग 96वीं है, दैट इज़ 96 रैंक्ड है। और इस रैंकिंग में पिछले वर्ष की तरह ही नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे है। बता दें कि नॉर्वे पिछले 9 सालों में लगातार 8 बार फर्स्ट रैंक हासिल किया है, जबकि 2016 में न्यूजीलैंड फर्स्ट आया था। तो यह रैंकिंग खास है क्योंकि इसमें भारत ने बहुत अच्छी प्रगति को शो किया है। और UPSC ऐसे क्वेश्चंस या तो स्टेटमेंट के तौर पे पूछती है या तो मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है। जैसे इसमें 3-4 आपको इंडेक्स दे दिया जाएगा और उसके सामने बता दिया जाएगा कि कौन सी संस्था इसे दे सकती है, और ऑप्शन में दे सकती है 1-2, 2-3, 1-2-3, ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आप ऐसे इंडेक्स को जो भारत के लिहाज से काफ़ी सुधार कारक रहे हो उसे आप नोट कीजिए, और UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आज का हमारा न्यूज़ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।